मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं घर आ गया हूँ और टर्न होती ही सीधा विशाल का चेहरा देख लिया, जो मेरा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पार्टनर. सो लवली टू बी हियर, सो नाइस टू सी एवरीवन. बहुत ही कमाल का लाइनअप है, मैं फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत. और जितने भी सिंगर्स जो भी गा रहे हैं वो इतना परफेक्टली गा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल का इंडियन आइडल बहुत ही शानदार और बहुत यादगार रहेगा. इंडियन आइडल के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है. भूमि त्रिवेदी, पवन, सलमान अली, काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं. इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इंडियन आइडल को जाता है. क्या बात है, ट्रूली ट्रूली. सर, आपका जो डिस्को डांसर म्यूजिकल आ रहा है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं. ये म्यूजिकल है जो पहली बात तो बहुत ही पॉपुलर है. बप्पी दा का म्यूजिक है, बी सुभाष निर्देशक है. इसको हमने लंदन में ऑलरेडी प्रीमियर कर लिया है. Oh, wow. We are really looking forward for a grand opening in India, in Mumbai. Amazing, amazing. Thank you, sir. Thank you, sir. देशवासियों, आज के एपिसोड के अंत तक हमें मिल जाएंगे इंडियन आइडल 13 के टॉप 6 फाइनलिस्ट. बुलाते हैं आज की पहली कंटेस्टेंट सोनाक्षी कर. सोनाक्षी, जेन्यूइनली फाइनलिस्ट होने की पूरी दावेदार हैं आप. यू रियली डिजर्व इट. मतलब आई कांट वेट टू सी यू एज एन इंडियन आइडल फाइनलिस्ट. थैंक यू सर. बहुत, मतलब यू आर इनक्रेडिबल आर्टिस्ट. थैंक यू सो मच सर.
आपकी आवाज में एक मिठास जो है, जो मिठास है, ऐसे लग रहा था कि I was imagining the film. Thank you, sir. Thank you, sir. मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सोनाक्षी तुझ में सुर दिखता है. हाय हाय, क्या बात है. सोनाक्षी आपने मौसम बदल दिया. जजेस प्लीज स्कोर दे दीजिए. और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जिनको देखने लड़की आती है यूएई और यूके से होके सवार ऑन जेटी, द फॉरएवर माचो हंक सुनील शेट्टी. शो में आने से पहले मैंने ये कहा था क्लियरली कि यार डांसिंग का नाम भी मत लेना, लेकिन म्यूजिक में और जोश इतना है कि यू नो ये भी करने करना मतलब डांस है मेरे लिए. बट लवली, एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर, प्लेजर टू बी हियर. पूरा सेट पागल हो चुका है सर आपकी हॉटनेस देख के. और अगर कोई बंदा फ्रिज में भी सोए ना तो भी इतना ताजा नहीं लग सकता जितना आप लगते हैं. I think खुश रहता हूँ ना, और दूसरों की खुशी में भी मेरी खुशी है, तो कहीं ना कहीं. सर आज जो हमारे ये कंटेस्टेंट्स हैं इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, I think सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. और देखिए हमारी ज़िंदगी ऐसी है, कभी कभार लेट हो जाती है शूट, सो रेगुलरली आप शो देख नहीं सकते. बट माँ कंटिन्यूसली ये शो देखते रहती है और हमेशा मुझसे कहती है आ जा आ जा, कम 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 सिट. शी विल ऑलवेज से कि ऋषि को देख लो, देबू को देख लो, यार कितने कमाल है, यू नो. एंड आई थिंक दोनों जनरेशन्स आप लोग कवर करते हो, आप लोग सारे जनरेशन्स का कवर करते हैं. बट गॉड ब्लेस यू ऑल, द वेरी बेस्ट टू यू एंड किल इट. थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां हो जाए सुनील सर के लिए. अब आ रही है इस डिकेड की सर्टिफाइड सिंगर सबसे खास, इंडियन आइडल बनने की कड़क दावेदार, सर्वगुण संपन्न सेनज्योति दास.
क्या बात है outstanding you know bade se bade singer ko takkar de sakti hai you know the confidence that she has gaane ke sath sath jo rhythm hai body mein the highs the lows unbelievable bahut hi khoobsurat and you know indian idol ne hamesha extraordinary talent diya hua hai to superb puri ki puri film aankhon ke samne aakar abhi guzri hai mere सर आई एम श्योर कि वो स्क्रिप्ट आपके पास आई होगी और आप जब आपने पढ़ा होगा कि देव का किरदार है तो तुरंत ही बोला होगा कि लॉक करो धर्मेश जी जो है मेरे पास आए थे उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाने से पहले एक चीज डेफिनेटली कहा था और सल्यूट करता हूँ ऐसे यू नो पैशनेट डायरेक्टर्स को कि सुनील किरदार तुम्हें पसंद आएगा वो तो मुझे पता ही है लेकिन साथ साथ मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पहली अवार्ड भी आपको यहीं मिलेगी इसी किरदार से मिलेगी फनी बात यह है कि मुझे अवार्ड मिला तो भी बेस्ट विलन का अवार्ड मिला फॉर धड़कन प्यार मैं करता था जान देने के लिए मैं तैयार था और बेस्ट विलन आई डोंट अंडरस्टैंड कि यू नो माँ हमेशा कहती है ना बेटी से हमेशा कहती है ऑलवेज लव समवन हु लव यू मोर देन यू लेवल लव दैट पर्सन देव वो ऐसा किरदार था जो अंजलि से उतना प्यार करता था यू नो लेकिन और आज भी जब हम वो डायलॉग सुनते हैं कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें बोल जाऊं सॉरी सर ये तो अब ओजी ओजी तो ओजी होता है ना सर अंजलि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी जजेस प्लीज स्कोर दे दीजिए मेरे पिया Mama, Baba, Baba.
हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 हो जाएगा प्यार चले, हौले हौले हो जाएगा प्यार। रेगा बहुत रे बनी, रेगा बहुत रे बनी, गमा गमा गर पर बनी, दम मगो मधम मगर इश्के दी गलियां तंग हैं, शर्मो शर्मी में बंद है, खुद से खुद की कैसी ये जग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए, कुछ कहता है और कुछ कर जाए, कैसी पगली वो दिल मर जाना, इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोले मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 प्यार चले, होले होले हो जाएगा प्यार, होले होले से दुआ लगती है माँ। शिवम, आई थिंक जो आपने किया है वो काबिले तारीफ है, टू गुड, रियली रियली गुड। होले होले में जो एक कंट्रोल है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पेशली मुझे याद है जब सुखविंदर इसको गाने आए थे, तब वो जैसे उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद है, तो उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज़ से शुरुआत की थी, और फिर हमने कहा कि नहीं यार ये रोमांटिक गाना है, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट, तो शुरुआत की जो लाइनें हैं वो बड़ी सॉफ्ट है, और फिर सडनली वो गाना तो सब्र तो कर मेरे यार, वहाँ से जो है ना वो लाइन थोड़ी सी ऊँची हो जाती है और थोड़ा सा उसमें वो पावर आ जाता है। तो ये कंट्रोल निभाना ये मुश्किल बात है एज अ सिंगर, एंड जो आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, अपना करके किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सिंगर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई एम नॉट अ म्यूजिकल जीनियस, लेकिन आप अलग दुनिया में लेकर जाते हो, यू मेक मी फील गुड। क्या बात, यू नो ये भी चाहता था कि ये गाना एंड ही ना हो, यू नो चलता रहे। यू आर आउटस्टैंडिंग, बहुत बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, और यू विल गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सुनील सर के लिए जोरदार तालियां। बड़ा सिंपल है शिवम। करना क्या है, ऐप से शुरुआत करनी है ना। Yeah.
जशन हो मस्त मगन हो रस्ते के धूल उड़ाला हर मार मरेंगे पार करेंगे सबको हम कर दे आसान है ना निकले एब्स निकले एक तो आया होगा कुछ तो निकला होगा कुछ तो निकला होगा पसीना कुछ एक मिनट थकान हाँ सब ठीक है अब आ रही है वो बेटी जो भर देना चाहती है अपने पापा का सीना विद प्राइड एंड जॉय इंडियन आइडल बनने की कड़क दावेदार देवोश्मिता रॉय कंपोजिशन को जस्टिफाई किया कि नहीं अरे बहुत अनबिलीवेबल बहुत ही खूबसूरत आवाज आप लोग ब्लेस्ड हो आई मीन ऐसे गाने सुन के आई थिंक कोरियोग्राफर के लिए भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती आंखें बंद कर लो और आपकी पूरी कोरियोग्राफी एक सेकंड में आ जाएगी सामने आई मीन फॉर लाइकवाइज फॉर द डायरेक्टर बहुत ही खूबसूरत बहुत 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 आपकी वॉइस क्वालिटी कमाल की है दुनिया में भेज देती है हमें आई थिंक बाकी ब्लेस्ड है आपके पेरेंट्स
ऐसी एक टैलेंटेड बच्ची आपके घर में है, तो आप आई थिंक आपके हंसने खेलने के दिन शुरू हो गए अभी। मुझे लग रहा है कि बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देवोस्मिता, तुमने मौसम बदल दिया। जजेस प्लीज स्कोर दे दीजिए।
अभी चैन चुराया है, हाँ अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगा, अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुराऊंगा, जब चाह तुम्हें देखूं आईना बना लूंगा। आपने तो मुझे सेट पे पहुंचा दिया सीधे। बैक टू द 90s। आपकी आवाज में मैं कहूँ ना, एक सच्चाई है, एक ऑनेस्टी है, एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान नजर आते हैं आप। और जिस तरीके से आप बयान भी करते हो, पता नहीं किसको देख रहे थे हो। थैंक यू चिराग, थैंक यू सो मच। अब आ रहे हैं वो सिंगर जिन्हें कोई नहीं रोक सकता फ्रॉम बीइंग द नेक्स्ट बिग थिंग, इंडियन आइडल बनने का कड़क दावेदार, ऋषि सिंह। तुम दिल की धड़कन धड़कन में रहते हो।
कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहाँ है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो हो गई है तुमसे मुझे क्यों सताती हो तुम ओ मेरी यादों में मेरे ख्वाबों में रोज आती हो तुम किस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताती हो तुम तेरी यादों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊं से तुझे चुरा लूं मेरा इंतजार कर लो कितना बेकरार हूं मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो तुम भी मुझसे प्यार कर लो सर आप इमोशनल हो गए थोड़े यू नो अब मैं जानता हूं कि माँ इसको क्यों इतना चाहती है आई थिंक शायद बेटे की याद दिला दी माँ को बार बार बिकॉज शी मस्ट बी सीइंग देव शी मस्ट बी सीइंग अवन सन और अगर आप भी मेरा प्लेबैक करते हो उस गाने में तो शायद एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती दिल ने कहा है दिल से क्योंकि यू नो ये एक्टर के लिए जो वॉइस होता है वो सब कुछ होता है यू नो हाफ द बैटल इज वन इसलिए रोमांटिक हीरोज हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं क्योंकि जो आवाज़ है उनके पीछे यू नो लेजेंडरी सिंगर्स लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स हु मेक अ डिफरेंस टू वेयर यू स्टैंड इन लाइफ आई थिंक I'd be blessed कि आप आहान के लिए कभी playback singing wow. करो and be his voice. आपने भी एक बात कही कि ये आहान के लिए गा सकते हैं मेरा तो ये मानना है considering मतलब आप दिन ब दिन मतलब hotter and hotter होते जा रहे हैं कि ये सुनील शेट्टी के लिए भी गा सकते हैं वैसे so sweet. अगर ज़्यादा तकलीफ ना दूं मैं आपको बाय रिक्वेस्टिंग यू कि आप इसकी आवाज़ पे लिप सिंक करें वो पार्ट प्लीज सर प्लीज सर सुनील सर के लिए जोरदार तालियां यार क्या बात है तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बात
की धड़कन में रहते हो रहते हो end this without Anjali. Anjali. मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. This song has to end like that. ऋषि तुमने इतना अच्छा गाया ना कि ऐसा लगा कि तुमने फिनाले जीत लिया है. ऋषि तूने मौसम बदल दिया यार. जजेस प्लीज स्कोर दे दीजिए. और अब परफॉर्म करने आ रही है वो लड़की जिसका दीवाना अगले हफ्ते द ड्रीम फिनाले में लेकर आएगा अयोध्या से इमरती. प्लीज वेलकम विदिप्ता चक्रवर्ती. Oh,
स्टैंडिंग ओवेशन यार, क्या बात है विदिप्ता। थैंक यू सो मच भैया। विदिप्ता, यस सर, यू आर आउटस्टैंडिंग। यू नो, जब एक आम आदमी, आई मीन नॉट अ कंपोजर, नॉट अ सिंगर, डजंट नो टू मच अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूजिक, वो सिर्फ एक कलाकार को देख के दे फॉल इन लव विद द आर्टिस्ट। और आई थिंक मुझे ऐसे ही हुआ आपको देखकर। यू आर सो कंप्लीट यार, यू आर अ कंप्लीट एंटरटेनर। आपके आवाज में अपील है। यू हैव द कैपेसिटी टू गेट पीपल टू फॉल इन लव विद यू एंड यू हैव डन दैट। आपने किया है। अभी काफी लोग घायल भी है इधर, मैं जानता भी हूँ पर्सनली। यू आर द बेस्ट, आउटस्टैंडिंग। ओरिजिनल सिंगर भी है, ओरिजिनल कंपोजर भी है। अरे यही पर है। टिल टुडे ये गाना हम हर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं। एंड विदिप्ता, आपने क्या गाया है, वाओ ब्यूटीफुल यार। मैंने सोचा कि पहले जब आपने शुरुआत की थी, मुझे लगा कि आप वो इसका जो अंतरा है वो आप कैसे गाएंगी, बट आपका रेंज कमाल की रेंज है यार, ब्यूटीफुल। सलीम सर, सुलेमान सर, आपने कहा कि आप कॉन्सर्ट्स में ये गाने गाते हैं। हाँ जी, तो क्यों ना आज यहाँ पर। देखिए देखिए देखिए, जाएंगे तो सही, बट कंपोजर यू नो सर्वपरि है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला ना, इश्क वाला ना। हुआ जो दर्द की तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला ना। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला ना। क्या खबर यही पता है सादा हुआ, इश्क वाला ना। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला, इश्क वाला। होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला, इश्क वाला। सुर्ख वाला, सोज वाला, इश्क वाला। जो लव से ज्यादा वैसे वाला, इश्क वाला। क्या बात है यार, इश्क वाला। आज दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला। ये आपके लिए, क्योंकि आपने जिस तरीके से परफॉर्म किया है आज, डिस्को डांसर की पूरी टीम से ये आपके लिए एक तोहफा है, जो आप जब आप डिस्को जाएं तो आप इसे पहन के जाएं। अभी आपको शो में आना पड़ेगा इन द म्यूजिकल डिस्को डांसर। क्या बात है विदिप्ता, द रॉक स्टार के लिए जोरदार तालियां। सुनील सर, आप इतने हैंडसम, इतने माचो, इतने चार्मिंग है कि आपके 31 साल के हिंदी फिल्मों के करियर में आप किसी भी हीरोइन के साथ आपका अफेयर की न्यूज नहीं आई सर। कभी भी नहीं आई, मतलब हमने नहीं सुनी। वही मैं भी बोल रहा था कि आप लोगों ने सुनी नहीं, वही बात। नहीं, देखिए देखिए, बहुत ही थिन लाइन होता है। बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं, वेरी वेरी प्रिटी गर्ल्स। और एक नेचुरली होता है कि कोई यू नो खूबसूरती को देख के अप्रिशिएट न करे तो इट्स इनह्यूमन। करेक्ट सर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, थिन लाइन, 9 years मैं माना के साथ यू नो रहा इन अ रिलेशनशिप। उसके माँ बाप ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था फ्रॉम डे वन। मेरे माँ बाप अगेंस्ट थे। जब भी मैंने माना से कहा कि यू नो आई डोंट नो वेदर माय पेरेंट्स आर गोइंग टू से यस और नो, क्योंकि जब तक वो हाँ ना कहे मैं शादी नहीं करने वाला था, वो टिकी रही मेरे साथ। शी सेड यू नो इवन इफ आई डोंट गेट मैरिड यू विल बी द ओनली मैन इन माई लाइफ।
छिछोरे बड़े हाय फाये दिल पे तराटी साढ़े चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछे वाय वाये खाने कटोरे सुरमा बटोरे लगते छिछोरे बड़े हाय फाये दिल पे तराटी साढ़े चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछे वाय वाये चाय में डूबा बस गुट हो गया कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस थी। दोनों गाने ब्लॉकबस्टर हैं, लेकिन ये जो सेकंड गाना आपने गाया एवी एवी, ये कुछ गाने होते हैं जो मतलब एक्टर्स कैरी करते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एक्टर को बनाते हैं। ये गाना जो है इसकी वजह से हमने पहले जाना कि रणवीर सिंह कौन है, एंड सलीम एंड सुलेमान डिड दैट। ऐसा है कि मौका है, दस्तूर है, सलीम तो सुर 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 कम ऑन कम ऑन। छिछोरे बड़े हाय फाये दिल पे दराती साढ़े चल जाती बारे दिल गुलाटी पूछे वाए वाए चाहे मैं डूबू बारिश फुट हो गया तो मैं तो अभी 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 लुट गया
रेजिना कसांड्रा एंड स्टनिंग यूथ आइकॉन सबा आजाद आ रहे हमारे बीच, प्लीज गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। हेलो देयर, हाय 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 गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जोरदार तालियां हो जाए, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, रॉकेट बॉयज 2 की ये जो टीम आई है, खूबसूरत सी टीम, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि हमारे सारे कंटेस्टेंट देशभक्ति के किसी गाने पर परफॉर्म करें, तो हम मना तो नहीं कर सकते, गेस्ट है हमारे, तो आ जाओ और मचा दो। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले हम, कुछ करिए कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए या मरिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूब तरिए या मरिए। सभी हीरोज को सलाम, और रॉकेट बॉयज की टीम आप भी हीरो से कम नहीं है। आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर गाया, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट यू। मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया आज आप यहाँ पर आए और चार चांद लगा दिए। जजेस, कंटेस्टेंट्स और पूरा इंडिया, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हमें मिलने वाले हमारे इंडियन आइडल सीजन 13 के टॉप 6 फाइनलिस्ट।
हम सब जानते हैं कि यहाँ इस मंच पर खड़ा हुआ हर सिंगर विनर है और विनर बनना डिजर्व करता है, लेकिन शो का फॉर्मेट है, ये दस्तूर है कि आज कोई एक यहां से घर जाएगा और हमें मिलेंगे हमारे टॉप सिक्स फाइनलिस्ट। तो जजेस के स्कोर आ चुके हैं और ऑडियंस के वोट्स भी आ चुके हैं। मैं एक एक करके फाइनलिस्ट के नाम पढ़ना शुरू करूंगा और मैं बता दूं ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। हमारा पहला फाइनलिस्ट और वो है देवोश्मिता रॉय। हमारे दूसरे फाइनलिस्ट है ऋषि सिंह। इंडियन आइडल 13 के तीसरे फाइनलिस्ट है शिवम सिंह। और हमारे चौथे फाइनलिस्ट का नाम है विदीप्ता चक्रवर्ती। हमारे पांचवें फाइनलिस्ट का नाम है सोनाक्षी कर। कांग्रेचुलेशंस सोनाक्षी, आप दोनों में से कोई एक बनेगा इंडियन आइडल सीजन 13 का फाइनलिस्ट। जजेस के स्कोर्स के हिसाब से आज आप दोनों बॉटम में हैं। पिछले दो हफ्तों के जो ऑडियंस के वोट्स हैं उसके हिसाब से जिसको ज्यादा वोट्स मिले होंगे वो होगा हमारा छठा फाइनलिस्ट। और ऑडियंस ने जिसे ज्यादा वोट्स देकर फाइनलिस्ट बनाया है वो है इंडियन आइडल सीजन 13 का छठा फाइनलिस्ट और वो नाम है चिराग कोतवाल। सेनजुति, आपने बहुत 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 अच्छा गाया, हम क्या बोले, दुनिया बोल रही है और आपकी जर्नी काफी इंस्पिरेशन वाली है, काफी कमाल की रही है। एंड वी लव यू, वी ऑल लव यू। और इंडिया, ये है इंडियन आइडल सीजन 13 के 6 फाइनलिस्ट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.